जिन्हें हम प्यार करते हैं वे हमें मारे भी, पीटे भी, तिरस्कार करे, धिक्कार करे, हम लोग रोते हैं, कस्में खाते हैं, अब नहीं, फिर नहीं, धमकियां देते हैं, सब छोड़ छाड़ के निकल जाने के बारे में सोचते हैं, मरने के बारे में सोचते हैं। जो बहुत सारी आत्महत्याएं होती हैं इसी कारण से होती हैं, किसी व्यक्ति को जब लगता है कि मेरे जीवन का सब सुख तो इन्हीं पर मैंने दिया था, इन्होंने ही मुझे ऐसा धोखा दिया, अब जी करके क्या होगा। यानी जिस व्यक्ति ने आपको दो पैसे का भाव नहीं दिया, गांव की भाषा में कहते हैं लतिया करके निकाल दिया, आपको लात मार मार के निकाल दिया, आप उसके नाम पर अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हैं। और एक बार अगर प्यार से आपको बुला ले तो फिर कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए फिर से उपस्थित हो जाएंगे। यही माया है, यही माया है। क्या यह सही है? अगर आप में है, क्या यह सही है? अगर आप में है, क्या यह गलत है? बहुत कठिन प्रश्न है यह। और मैं आज ऐसी अवस्था में हूं कि जो अनुभव मैंने इकट्ठा किए, देखकर, सुनकर, स्वयं महसूस कर, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम भरा हुआ है, कोमल है और वास्तव में जिसे हम लोग कहते हैं अच्छा इंसान, सत्पुरुष है, उनके साथ यह समस्या होती है। आत्मसम्मान है, समझने की शक्ति है, लेकिन ईश्वर आनंद स्वरूप है। जब ईश्वर का प्रकाश अधिक रहता है, आनंद जब अंदर में अधिक रहता है, तो उस आनंद को खोना नहीं चाहते हैं। यह कठिन है। आपको लगेगा कि अरे देखो व्यक्ति कैसा मोहग्रस्त है, मायाग्रस्त है। सही है, कोई संदेह ही नहीं इसमें। लेकिन ध्यान रहे, यह मोहग्रस्त थे समाधि, इसीलिए आज हम लोग को दुर्गा सप्तशती पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं पर फिर देखेंगे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उनकी धर्म पत्नी ने उनका तिरस्कार तो नहीं किया था, लेकिन हल्का सा मानो उलहाना दिया था कि आप कितना भोग में डूबे हैं। तो कैसे उनके मन में एक चेतना का उदय हुआ और हमें मिला रामचरितमानस। कहना बहुत मुश्किल है कि एक तिरस्कार एक व्यक्ति को क्या करेगा। अब यह कहना बहुत मुश्किल है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में अपनी पत्नी की याद आती थी नहीं आती थी, सबके बारे में हमें नहीं पता है और आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इतना पता है कि समाधि का तिरस्कार हुआ तो हमें सप्तशती मिला, तुलसीदास जी का तिरस्कार हुआ तो हमें रामचरितमानस मिला। जीवन में तिरस्कार काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तिरस्कार ही हमें आगे बढ़ाता है, प्यार हमें कभी आगे नहीं बढ़ाता है।